उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार इसी वित्तीय वर्ष में 30,000 किसानों को सरकारी सोलर उपलब्ध कराएगी। अगर आप भी सोलर पंप लगवाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए मौका है। आप जल्दी से आवेदन करके अपने खेतों पर सब्सिडी वाला सोलर पंप लगवा सकते हैं। नमस्कार, सोलोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सरकार की ओर से किसानों को यह सोलर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। यानी अगर आपको सोलर चाहिए है तो आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, किसानों को सिंचाई की आवश्यकता के लिए बिजली का इंतजार न करना पड़े तथा उनके खेतों को सरलता से पानी उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 30,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगने वाले इन सोलर पंपों की योजना का संचालन करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यूपी नेडा को प्रदान की गई है। यूपी नेडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसानों को सोलर आधारित वाटर पंप प्रदान किए जाएंगे। यूपी नेडा के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 7.5 एचपी क्षमता तक के सोलर पंपों की लागत का 60% हिस्सा अनुदान के रूप में किसानों को प्रदान किया जाएगा। अनुदान की कुल राशि में से आधी राशि केंद्र सरकार एवं आधी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। किसान अपने हिस्से की अंशदान को भी आसानी से जमा कर सके, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण प्रदान करने की योजना भी शुरू की गई है। इस योजना में किसानों को बैंक के ब्याज पर 6% की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और अपने खेतों पर सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो आप यूपी नेडा की आधिकारिक वेबसाइट अथवा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।